हाय फ्रेंड्स, मैं संगीता। स्वागत है आपका संगीता किचन क्राफ्ट में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड कस्टर्ड मलाई चॉप। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है और हम इसे कैसे बनाते हैं। ब्रेड कस्टर्ड मलाई चॉप बनाने के लिए मैंने सामग्री लिया है। एक मैंने ब्रेड लिया है, चीनी मैं स्वाद अनुसार डालूंगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी को डालना है। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो ज़्यादा और कम तो कम पसंद डालना है। 2 बड़े चम्मच मैंने अमूल पाउडर लिया है, 4 से 5 मैंने इलायची, 1 बड़ा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने कोकोनट पाउडर लिया है और 1 किलो दूध मिल्क मैंने लिया है। कोई भी फुल क्रीम आप मिल्क ले सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करने के लिए हम चढ़ाएंगे, में डाल देंगे बटर। बटर आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे, ये गरम हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डाल के हम इसको चलाएंगे। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। थोड़ा सा कस्टर्ड बचा कर रखेंगे, इसको मिलाएंगे। हम इसमें डाल देंगे 1 कॉर्नफ्लोर, इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से तीनों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। थोड़ी देर अच्छी तरह से चलाएंगे। हम गैस को ऑन कर देंगे। आंच को धीमा ही रखना है, इसको चलाते रहेंगे। इसमें हम चीनी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अमूल पाउडर खुद ही मीठा होता है। अगर आपको चीनी डालना है तो आप डाल सकते हैं, अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो। यह अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे। अब जो मैंने कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच बचा के रखा था ना, उसको मैं इस तरह से पूरा अच्छे तरह से हम इसको ठंडे दूध में ही मिलाना है। गर्म दूध में नहीं मिलाएंगे इसको, ठंडा दूध में इस तरह से मिलाएंगे। अब मैं जो ये खोवा तैयार की थी ना, उसको ठंडा हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसे हम एक एक गोला बना लेते हैं इस तरह से। एक एक गोली हम ऐसे बना लेंगे इस तरह। इस तरह से मैंने सबकी गोलियां बना ली है। अब मैं एक एक करके ब्रेड के सभी किनारों को हटा दूंगी इस तरह से। इसके जो किनारे हैं ना, उसको मैं हटा दूंगी ऐसे। पानी में इसे डाल करके एक एक को भर दूंगे और ऐसे फिल कर देंगे। देखिए इस तरह से। आप अपने अनुसार इसे कोई भी आकार दे सकते हैं, चपटा, गोल या ओवल आकार का। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसा आकार चाहिए आप उस आकार का इसको बना करके इस तरह से सबको रख देंगे। दूध को गाढ़ा होने तक हमें चलाते रहना है।
अब हम इसमें इलायची डाल देंगे, इसका मुंह खोल करके सभी इलायची को डाल देंगे और इसको भी चलाते रहेंगे। जब ये अच्छी तरह से खौल जाएगा, गाढ़ा होने लगेगा, मैं अलग से एक बड़ा चम्मच अमूल पाउडर रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। तो चलाते रहेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अमूल पाउडर भी इसमें डाला था इसलिए वो भी मीठा होता है, आप मुझे कम ही मीठा पसंद है इसलिए मैं इसमें कम ही डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा शुगर पसंद है या ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। मैं आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें शुगर डाल सकते हैं और इसको हम गाढ़ा होने तक चलाते रहेंगे। ये अच्छा गाढ़ा हो गया है, अब मैं इसे उतार दूंगी और ठंडा होने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। अब दूसरी कढ़ाई चढ़ाऊंगी। अब मैं कढ़ाई में रिफाइंड डालूंगी, इसे गर्म होने दे रहे हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके जो मैंने बनाया था ब्रेड को फिल करके उसको डालूंगी। इसे ब्राउन होने तक मुझे तलना है, दोनों साइड से अच्छी तरह से सिकना है इसे जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो। आँच को बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है तो बहुत ज़्यादा धीमा भी नहीं रखना है, क्योंकि धीमा रखने से क्या होगा ना, ये तेल ऑब्जर्व करने लगता है। तो इसको हम, ये हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए अच्छी तरह से इसको तेल निकलने देंगे, इसके हम दूसरी बर्तन में इसको रख देते हैं। उसी तरह से और भी जो है चौक को मैं छान लूँगी, तल लेना अच्छी तरह से। मैंने ब्रेड कस्टर्ड चौक को अच्छी तरह से तल लिया है, अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट रखूंगी। ये अच्छा चिल्ड हो गया है मिल्क, अब इसको इसके ऊपर मैं डालूंगी, इसको इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा ब्रेड मलाई कस्टर्ड जब बनकर तैयार है। यह बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.